इंकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। भीम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बिहार चुनाव में मारी एंट्री। मोतिहारी के मधुबन में एक विशाल सभा को किया संबोधित। नीतीश व भाजपा पर किया करारा प्रहार। कहा भाजपा व नीतीश को हराने के लिए किसी से भी गठबंधन। जैसे जैसे बिहार में चुनाव की घड़ी नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपने अपने पासा फेंकने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में आज भीम आर्मी ने भी चंपारण की धरती से अपना चुनावी बिगुल फूंक दिया है, जहां भीम आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने मधुबन के अंबेडकर चौक पर एक महती सभा को संबोधित किया व सुशासन की सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही भाजपा जेडीयू सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कई आरोप भी लगाए। वहीं उन्होंने बिहार चुनाव में अपनी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने की भी घोषणा की। जबकि दलितों की वोट ठगने के लिए जो है नीतीश कुमार बड़े बड़े बयान दे रहे हैं,
ना तो उनकी नीयत दलितों को न्याय देने की है, ना उनकी जो है उन्होंने न्याय दिया है। पिछले 5 सालों में कितने दलितों को नौकरी दी तमाम लोग जानते हैं, और वो सरकारी नौकरी तब देंगे जब सरकारी डिपार्टमेंट रहेंगे। उनकी सरकार के लोग जो सेंटर बैठे हैं वो तो सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर रहे हैं। इंकलाब टीवी समाचार आपको अच्छे लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।